अब खेल उसका और प्यादे मेरे होंगे। ये बात है सन 1990 की, जब एक शहर में दो किरदारों ने जन्म लिया। वो कहते हैं ना, जहां दोस्ती होती है वहां तकरार भी होती है। मगर कौन जानता था ये तकरार किस हद तक जाएगी। जिस शहर में लोग इनकी दोस्ती की मिसालें दिया करते थे, आज उसी शहर में लोग इनकी दुश्मनी के चर्चे किया करते हैं। ईशान, आज मैंने तुझे फिर हरा दिया। अगर अगर तू जीते या मैं जीतूं, बात तो बराबर है ना यार। देखते ही देखते दोनों का बचपन जवानी की ओर बढ़ने लगा और इनकी ये बेफिक्र भाई मेरा भाई धीरे धीरे और कैसा है के लिए मिसाल बनने लगी। अबे आज फिर नाश्ता करके नहीं आया ना तू? घर से फोन आया था। भैया नाश्ता कहाँ करते हैं आपके बिना? बिना आपकी गाली का पेट कहाँ भरता इनका। अभी दिमाग मत खराब किया कर सवेरे सवेरे। अबे क्यों चिल्ला रहा है इन पे? चल समोसा खिलाता हूँ। और वही टेंशन में उस काम का क्या हुआ यार? कल तक नेताजी के पास पैसे पहुंचाना बहुत जरूरी है। क्यों इतना लोड ले रहा है यार? कल सुबह नेताजी का पिछवाड़ा धुलने से पहले पैसे बचा देंगे अपन। भैया अब क्या पिछवाड़ा भी हम ही को साफ करना पड़ेगा? अबे हट, हाथ पे हगवा भी लेना चूतिया साला। आइए राघव भैया, आइए बैठिए बैठिए। अरे और त्यागी कहाँ है महोदय? नेताजी का सुबह से बाथरूम में आना जाना लगा हुआ है। बाथरूम में? अरे गुड मॉर्निंग है नेताजी। अरे काय की गुड मॉर्निंग यार राघव। साला नाइट से पिछवाड़ा ही नहीं सूख रहा है। खैर छोड़ो, कैसे आना हुआ? अरे कुछ नहीं नेताजी, बस सुखाने आए थे। क्या सुखाने आए थे? क्या सुखाने आए थे? तुमको सुखाए अभी? अरे अरे मजाक में निकल गया होगा, बच्चे हैं, थोड़ा संस्कार सिखाओ उन्हें, ऐसे ना काम चल पाएगा। ए ला बैग दो। आप ये पैसा पकड़ो, विशाल ने भिजवाया। एक तो वो शुद्ध चूतिया लौंडा, 3 दिन से उसको बोल रहा हूँ पैसे भेज वरना काम हाथ से निकल जाएगा, और उसकी बेवकूफियों के चक्कर में वो रफीक और उसके लौंडे अलग उसको ढूंढ रहे हैं। आ गया ना पैसा, अब काम कराओ। रही बात रफीक की, तो उसके लिए अभी राघव बैठा है। देख यार राघव, मुझे
विशाल का हिसाब किताब कुछ जचता नहीं है, वो तो तू है जो हर बार काम संभाल लेता है। उसका या मेरा, बात तो एक ही है ना। देख यार राघव, सब एक नहीं होता। तू काम उससे अच्छा जानता है, उससे ज्यादा जानता है। खुद का कुछ कर, बाकी मैं तो बैठा ही हूं। अच्छा नेताजी, चलते हैं। और हाँ, वो पैसे गिनवाना ना भूलना। ओए, अरे भैया क्या बोले नेताजी? भाई नेताजी तो बड़ी सीरियस बात बोले। क्या बोले? कह रहे थे कल से तुमको उनका पिछवाड़ा धोने भेज दे। अरे भैया मजाक क्या कर रहे हैं। हाँ की माँ का, रुक 5 मिनट में आता हूँ। बंगले पहुंच। क्या देख रहा है? We'll be right back.
जाके बोल देना रफीक से, विशाल से भिड़ने से पहले उसे राघव से निपटना होगा। हट! भाईजान, बहुत मारा शाद और राघव ने मुझे और अपने लड़के लोगों को, बहुत मारा भाईजान, कुछ करना पड़ेगा उनका। तुझे तो बहुत कुछ निकल रहा है यार, हॉस्पिटल लेके जा, हॉस्पिटल लेके जा। ओए टैक्सी आई, अरे भैया आपका तो ज्यादा खून बह रहा है। अरे तू जा पानी लेके। एक्सक्यूज मी, क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हैं? मेरी स्कूटी स्टार्ट नहीं हो रही है। भैया पानी। जाओ मदद करो मैडम की। अरे आपको तो मुझसे ज्यादा हेल्प की जरूरत है, आपको तो बहुत ज्यादा चोट लगी है। रुकिए पानी मत डालिए, मेरे पास फर्स्ट एड है, पकड़िए। अरे क्या देख रहे हैं, पकड़िए इसे, आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं, मैं एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ। भेजिए। थैंक यू मैम, ये तो मेरा काम था। टेक केयर। की सबसे अच्छी और सस्ती दुकान है। सच जान? हाँ। भाई जान, लंगूर के हाथ में अंगूर। क्या देख रहा था बे? जान बचाओ, जान चोट कैसी है तेरी? ठीक है। तेरी बड़ा प्यारा दर्द देके गई यार। लगता है किसी लड़की का मामला है, कौन है वो? पता है क्या?
चलो मैं देखता हूँ। यार विशाल, मैं सोच रहा था इसका टेंडर मैं डाल। तेरा या मेरा सब एक ही तो है यार। हाँ यार, बात तो एक है लेकिन मैं डालू। चल ठीक है। तू ना बस फोन में ही लगी रह। यार देखना उस बंदे को, he is too handsome। अच्छा? हाँ। इतना handsome लग रहा है तो जाकर बोल क्यों नहीं देती उसे? वैसे भी वो तुझे ही देख रहा है। पर ऐसे कैसे जाकर बोल दूँ? अजीब लगता है ना? तू ना, तेरे बस का ना कुछ नहीं है। मैं जाकर बोल कर आती हूँ। Excuse me? Yes? अगर आपको मेरी फ्रेंड पसंद आ गई है तो आप उसे बोल क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि उसे भी आप बहुत पसंद आ गए हैं। और आपको क्यों लगता है कि मुझे आपकी फ्रेंड पसंद है? क्योंकि आप बहुत देर से उसे देख रहे थे। You are mistaken, madam. मैं उनको नहीं, उनकी बगल वाली को देख रहा था।
सब वो धुंधला गए, बातें तेरी ये सब भूल गया, जा रे जा तू खुशियां ढूंढ रहा, जा तू तो जा अपनी जिंदगी सजा, क्यों किया तूने मेरे साथ ऐसा? क्यों? भाई मानता था मैं तुझे, भाई पी के आया क्या? प्यार करता था मैं तन्वी से और तूने उसको भी मुझसे छीन लिया। गाली है तू दोस्ती के नाम पे गाली। तन्वी को बीच में मत ला। बीच में? बीच में तो तू आया है, खुद से ज्यादा प्यार किया है मैंने उसे। लेकिन वो सिर्फ मुझसे प्यार करती है, और औकात क्या है तेरी? प्यार के अलावा दे क्या पाएगा तू उसे जिंदगी में? दोस्ती के नाम पे मुझसे कदम कदम पे बेईमानी की, पहले धोखे से मुझसे वो कॉन्ट्रैक्ट छीना और अब मेरी तन्वी को। तन्वी हमेशा से मेरी थी, और रही धंधे में बराबरी की बात तो याद रख, जूता चाहे सोने का हो या हीरे का, पहना पैरों में ही जाता है, सर पर नहीं रखा जाता। बहुत घमंड है ना तुझे अपनी दौलत का। अब देख तू, ये शहर भी मेरा होगा और तन्वी भी। जुबान खींच लूंगा मैं तेरी अगर उसका नाम भी लिया तो। संभाल कर रख अपने इस गुस्से को। अभी तक इस शहर में हमारी दोस्ती की मिसाल दी जाती थी, अब दुश्मनी का इतिहास लिखा जाएगा। अब तुम काम मेरे हिसाब से करोगे। राघव का विशाल से अलग होना बेहद जरूरी था, जो बखूबी हो गया। अब खेल मेरे हिसाब से चलेगा। आप सोच ले फिर, कहीं तेरी दोस्ती तेरे धंधे के बीच में फिर से ना आ जाए। ना कोई दोस्ती ना कोई प्यार, अब इस शहर में सिर्फ एक नाम चलेगा, राघव। तो ठीक है सर, आज से तुम और राफी दोनों साथ में काम करेंगे। देख राघव, दुश्मन का दुश्मन अपना दोस्त होता है। हाथ मिला और काम शुरू करो।
राघव तुमने तो कमाल कर दिया, उस विशाल को मिट्टी में मिला दिया। उसकी हार जब तक पूरी नहीं होगी, जब तक मेरी जीत का राज तिलक नहीं हो जाता। ए! जी भैया। देखिए यार उसको। तुम ये बहुत गलत कर रहे हो। भैयान काम हो गया। हा